Hello everyone, hello my scholar visitors. I welcome you all on this virtual platform, KP College of Arts and Science, Ahur. Dear friends, today we are going to study about another story written by Nathaniel Hawthorne. It is a story that is called Dr. Heidegger's Experiment. देखिए friends, एक कहानी हमने इससे पहले पढ़ी थी Growing Up. जिन्होंने वो स्टोरी नहीं पढ़ी है वे उस स्टोरी को कैसे पढ़ेंगे, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं. ये दूसरी कहानी है जो कि शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम यस्टरडे एंड टुडे, ये एक नाम की एक बुक चलती है हमारे बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो इलेक्टिव इंग्लिश का एक पार्ट है. तो उसी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर करीब करीब 11 स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं. उसी क्रम में हम आज दूसरी कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट. डॉक्टर हेडिगर के जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो भी प्रयोग हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं. और इस कहानी के जो राइटर हैं उनका नाम है नथेनियल हॉथोर्न. देखिए इन्होंने क्या रचनाएं लिखी है. देखिए नथेनियल हॉथोर्न एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं. कहाँ से हैं ये अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. तो इनके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले आइए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ इस कहानी के बारे में. डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि ह्यूमन नेचर के ऊपर इम्फेसाइज करती है कि मानव का जो नेचर है, ह्यूमन का जो नेचर है वो किस प्रकार का है. मनुष्य की जब इच्छाएँ होती हैं वो खत्म नहीं होती है, और इच्छाएँ के ऊपर इच्छाएँ अगर बढ़ने लगती हैं तो वो एक समय तृष्णा का रूप लेती हैं और वही व्यक्ति के दुखों का कारण बनती हैं. तो फ्रेंड्स बिना किसी भूमिका के अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं. इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे. और सबसे पहले जिस कैरेक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर हेडिगर. हु इज़ डॉक्टर हेडिगर? देखिए जो हेडिगर हैं वो इस फिल्म के हीरो हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट. डॉक्टर हेडिगर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी. इसके जो नायक हैं, जो हीरो हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, तो ये हैं डॉक्टर हेडिगर जो प्रयोग करते हैं अपने समय में. दूसरे हैं कॉलोनिल किलिग्रू. कौन है? देखिए इनके कुछ चार फ्रेंड्स होते हैं, चार फ्रेंड्स जिनके ऊपर ये प्रयोग करते हैं उनके बारे में ये कहानी है. एक फ्रेंड है कॉलोनिल किलिग्रू, दूसरा फ्रेंड है मिस्टर मैटबॉन्ड, तीसरे फ्रेंड है मिस्टर गैस्कोनी, चौथे फ्रेंड है द विडो वाइशरली. देखिए ये चार फ्रेंड्स हैं जिसमें से ये लेडी है. ये कौन है? लेडी हैं और ये विडो हैं. विडो का मतलब होता है विधवा. कैसी हैं? विधवा हैं. तो एक लेडी है जो विधवा हैं और ये तीन मेल पर्सन हैं. ये चारों बूढ़े व्यक्ति हैं और इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे. पहले इसकी आउटलाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. ये रही इस कहानी की आउटलाइन जिसके बारे में हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या कहा गया है. बहुत ही मज़ेदार कहानी है और बहुत ही एक मैसेज देने वाली कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं. चलिए फ्रेंड्स बात शुरू कर रहे हैं हम फोर फ्रेंड्स से. चार फ्रेंड्स जिनके बारे में हमने चर्चा की है कि कौन कौन चार फ्रेंड्स हैं. ये चारों फ्रेंड्स हैं डॉक्टर हेडिगर के चार फ्रेंड, जो कि ओल्ड हैं, जो कि बूढ़े हैं, अपनी समय में सबसे ज़्यादा उम्र के ये व्यक्ति हैं. पहला नाम है कॉलोनिल किलिग्रू, दूसरा नाम है मिस्टर मैटबॉन्ड, तीसरा है मिस्टर गैस्कोइनी और चौथा है विडो वाइचरली. ये एक लेडी है. ये चारों जो फ्रेंड्स हैं, इन चारों फ्रेंड्स को मिस्टर हेडिगर क्या करते हैं, अपने यहाँ पर इनवाइट करते हैं. क्या करते हैं? इनवाइट. इनको इनविटेशन दिया जाता है कि आइए आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं और आप उस प्रयोग को देखेंगे और उस प्रयोग के बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी वो बहुत देखने लायक होगी. तो ये चारों फ्रेंड्स उसके वहाँ पर आते हैं. लेकिन चारों फ्रेंड्स की एक बात बताता हूँ, इन चारों दोस्तों ने क्या किया है, अपने जीवन में जो गाढ़ी कमाई होती है, व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमाई होती है, एक होता है यूथ, एक मनी, एक ब्यूटी और जो वेल्थ है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने खो दिया है. अब ये जीवन के अंतिम पड़ाव में है तो इनको इनवाइट किया जाता है. एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं डॉक्टर गुलाटी, नहीं डॉक्टर हेडिगर. तो डॉक्टर गुलाटी की तरह ही डॉक्टर हेडिगर हैं जो कि अपने प्रयोग करने वाले हैं और इन प्रयोग को आज हम देखने वाले हैं.
तो चलिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट रूम की ओर। यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं और ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर लेकर पढ़ रहे हैं, उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसमें से काफ़ी सवाल बनते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंटल रूम है जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस रूम के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसा है इनका रूम, आइए इन सब पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है अ बस्ट ऑफ हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का एक बस्ट है, बस्ट का मतलब एक तरह का ये धड़ है। क्या है धड़? धड़ क्या होता है? बिना सिर की जो मूर्ति होती है उसको कहते हैं बस्ट। ये हिपोक्रेट्स की एक मूर्ति है उसके रूम में, जिससे वो हमेशा डिस्कशन किया करता है। तो ये जो हिपोक्रेट्स हैं उनके साथ ये जो राइटर हैं, ये जो डॉक्टर हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कस। किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है अ बस्ट ऑफ हिपोक्रेट्स। बिना सिर का एक धड़ है जिसका नाम हिपोक्रेट्स है, इसको कह सकते हैं, और उनके साथ वो डिस्कस किया करते हैं कि चलिए आज कौन सा प्रयोग किया जाए, ऐसा पूछते हैं और उसी से आंसर करते हैं। तो ये पहली बात, उनके रूम के अंदर एक इस प्रकार का धड़ है। दूसरी बात करते हैं अ मैजिक ब्लैक बुक। वहां पर एक मैजिक ब्लैक बुक है। क्या है? ब्लैक बुक, एक ब्लैक बुक है, मैजिकल है, जिसके अंदर जादू टोने की बात कही गई, काला जादू कह सकते हैं, अ मैजिक ब्लैक बुक। तीसरा है अ स्केल्टन इन क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी है उनकी, और उस अलमारी के अंदर एक स्केल्टन है। स्केल्टन का मतलब होता है एक खोपड़ी है। क्या है? एक खोपड़ी। तो फ्रेंड्स, एक खोपड़ी रखी हुई है, बिल्कुल काला जादू करने वाला व्यक्ति लग रहा है हमको ये डॉक्टर। तो एक स्केल्टन है इसके रूम के अंदर। अ मिरर, एक मिरर भी है, एक कांच है, लेकिन ये कांच जो है, ये जो दर्पण है, ये कोई सामान्य दर्पण नहीं है। आमतौर पर हम उस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन इसका जो दर्पण है उसके अंदर क्या नजर आता है? डाइट पेशेंट्स, यानी उनके फेसेस। इस डॉक्टर ने जिन पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उन वो जो पेशेंट्स जो थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके फेसेस नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे उसके अंदर नजर आ रहे हैं। इस प्रकार का एक मिरर है। और क्या है उस रूम के अंदर? अ पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर्स बी लव। उस डॉक्टर की एक प्रेमिका है, या यह कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन संगिनी है, उसका भी एक चित्र लगा हुआ है, एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है उनके रूम में। और यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, उनकी जो लाइफ पार्टनर है या बीलव्ड है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिल्विया वार्ड। नाम याद रखेंगे, सिल्विया वार्ड नाम है उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिल्विया वार्ड कौन है? इस डॉक्टर की शादी हुई थी सिल्विया वार्ड के साथ, और उसी रात को उनकी मृत्यु हो गई। किन की? सिल्विया वार्ड की मृत्यु हो गई। तो उनकी एक तस्वीर इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है। ये कुछ एटमॉस्फियर हमने बता दिया है कि इसके रूम का जो दृश्य था वो किस प्रकार का था, तो ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप इसको डिस्क्राइब करिए एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं एक मैजिकल वाटर की, इस पर भी प्रश्न बनते हैं और बने हुए भी हैं। मैजिकल वाटर, द फाउंटेन ऑफ यूथ। देखिए ये क्या है फाउंटेन ऑफ यूथ? फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैजिकल वाटर है जो कि क्या है, फ्लोरिडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा से ये वाटर लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? फ्लोरिडा से। तो फ्रेंड्स ये फ्लोरिडा से लाया गया एक ऐसा वाटर है, एक ऐसा पानी है जो कि जादू भरा है, जिसको हम कह सकते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ। एक ऐसा झरना है जो कि जवानी का झरना है, युवावस्था का झरना है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो एक्सपेरिमेंटल रूम है वो किस प्रकार का है, उसके अंदर क्या क्या सामग्री है, क्या क्या चीज़ें नजर आती है, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चर्चा करते हैं एक्सपेरिमेंट की, जिस प्रयोग की हम कब से इंतजार कर रहे हैं, उस प्रयोग को आइए हम करते हैं शुरू। डॉक्टर हेडिगर्स अपने रूम के अंदर, जिसके अंदर ये इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं, हिपोक्रेट्स है, अब मैजिकल बुक है, स्केल्टन इन हिज क्लोजेट, एक मिरर है जिसके अंदर उसके जो पेशेंट्स हैं, जो मरे हुए, जो मृत जो पेशेंट्स हैं, उनके चेहरे नज़र आते हैं,
एक उनकी बिलव का पोर्ट्रेट भी है। अब वो एक प्रयोग कर रहे हैं, कैसा प्रयोग कर रहे हैं, एक फाउंटेन, एक मैजिकल वाटर का प्रयोग कर रहे हैं। उनके पास क्या है, उनके पास एक गुलदस्ता है, मान लीजिए ये गुलदस्ता है और इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स रखे गए और उन्होंने क्या किया है, इस गुलदस्ते के अंदर एक गुलाब का फूल निकाला जो कि इनकी बिलव ने, सेल्विया वार्ड ने उनको दिया था शादी के समय। एक फ्लावर दिया था, गुलाब का फ्लावर था और उस गुलाब के फ्लावर को, जो कि अब वो क्या हो चुका है, विदर्ड हो चुका है, एक तरह से मुरझा गया है, उसमें जो पानी भरा है, जो मैजिकल वाटर उसके अंदर भरा है, उस मैजिकल वाटर के अंदर वो क्या करता है, उस फ्लावर को डाल देता है। वो फ्लावर जो कि अब सूख चुका है, विदर्ड हो चुका है और थोड़े समय बाद वो क्या देखते हैं, वो जो मुरझाया हुआ फूल है वो थोड़े समय में खिल उठता है, पहले जैसा तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि ये उस मैजिकल वाटर का कमाल था। ये एक फाउंटेन है, ये एक झरना है जो कि उसकी जवानी को, उसकी पुरानी ताकत को फिर से लौटा रहा है। एक इस प्रकार का प्रयोग आज होने वाला है। तो वो चारों फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे, पहले तो वो थोड़े घबराए कि क्या ये संभव है, थोड़ी उन्होंने हंसी मजाक भी की क्या ये संभव है, लेकिन बिल्कुल संभव है। जब उन्होंने देखा कि एक फ्लावर जो कि मुरझाया हुआ था, विदर्ड था और वो भी खिल गया, तो फ्रेंड्स अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये प्रयोग अब डॉक्टर साहब करने वाले हैं अपने उन चारों फ्रेंड्स के ऊपर। चारों फ्रेंड्स कौन, ये चारों फ्रेंड्स कॉलोनेल किलिग्रू, द मैटबॉर्न मिस्टर, मिस्टर गैस्कोइनी, द विडो वाइचरली। अब इन चारों फ्रेंड्स को क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा एक एक गिलास पकड़ाई जाती है शरबत की, यानी वो शरबत जो कि मैजिकल वाटर के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी क्या करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी सभी पीते हैं। डॉक्टर ने सबको एक एक गिलास पानी दे दिया। अब एक एक गिलास सबने पानी पिया। पानी पीते ही जैसे ही उनको लगा कि उनके अंदर फिर से वो जवानी लौट आई है, अब बूढ़े थे लेकिन अब धीरे धीरे वो जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, उनके जो बाल थे, जो हेयर्स थे, ब्लैक थे, वाइट थे, वो ब्लैक हो गए, चेहरे की झुर्रियाँ धीरे धीरे कम हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा वाटर और मांगा, डॉक्टर से कहा कि थोड़ा पानी हमें और दीजिए, हम और पीना चाहते हैं, और पीने के बाद वो चाहते थे कि वे फिर से जवान हो जाए। उनको दो चार गिलास और डॉक्टर ने पानी पिलाया। दो चार गिलास और पानी पीने के बाद अब ये फिर से अपनी जवानी में लौट गए ये चारों कैरेक्टर्स। अब इनके ऊपर क्या क्या प्रयोग हो रहा है और उनके ऊपर क्या असर हो रहा है इसका देखिए। जैसे ही उन्होंने वाटर पिया, अब आप देखिए कॉलोनेल किलिग्रू कौन है, ये व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे ही वो फिर से अपनी जवानी में लौट आते हैं तो अपने जवानी के दिन याद करते हैं और वो एक सॉन्ग गाने लगते हैं, आर्मी सॉन्ग। ये एक आर्मी का सॉन्ग प्ले करते हैं, इस आर्मी का एक सॉन्ग गाने लगते हैं ये कॉलोनेल किलिग्रू, क्योंकि ये रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं। और दूसरी बात करते हैं मिस्टर मैटबॉर्न, मैटबॉर्न कौन है, एक मर्चेंट रहे हैं, कौन रहे हुए मर्चेंट। तो ये क्या करते हैं, काउंटिंग करने लग जाते हैं, ये वहां पर हिसाब किताब मिलाते हैं कि चलिए मैं फिर से जवान हो गया हूं, तो ये काउंटिंग करने लगते हैं। मिस्टर गैस्कोइनी क्या करते हैं, ये एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, ये पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तो अब वो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं क्योंकि वे फिर से अपनी जवानी में लौट चुके हैं। बात करते हैं विडो वाइचरली की, वो लेडी जो बूढ़ी हो चुकी है, जैसे ही वो मिरर के अंदर देखती है अपनी तस्वीर और वो खिल उठती है, उसको लगता है कि मैं फिर से सुंदर हो गई हूँ। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो तीन कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, एक समय था जब ये तीनों इस महिला के दीवाने थे, जब ये जवानी के समय में इस महिला के ये तीनों दीवाने थे और एक प्रकार से इसको पाने के लिए, इसका प्रेम पाने के लिए तीनों गला काटने को तैयार थे, इस हद तक ये दोनों, इन तीनों इसके प्रेम में थे। अब उनको जवानी वापस मिल गई है, सबने वो पानी पिया, सब जवान हो गए और बहुत खुश हो रहे हैं, सभी बहुत खुश हो रहे हैं। इसी दौरान इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बीच में मैं एक बात और डाल देता हूँ, जो मैजिकल वाटर था, मान लीजिए मैजिकल वाटर इसके अंदर पड़ा है, इस पोट के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, इस मैजिकल वाटर का इफेक्ट उस फ्लावर पे तो पड़ता ही है। एक बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और वो बी होती है, वो एक फ्लावर और एक बटरफ्लाई, होती है तितली, उसके ऊपर भी उसका असर पड़ने लगता है, तो वो भी फिर से क्या खिलखिलाने लगती है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, किसी कारणवश वो जो मैजिकल वाटर है
वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है और वो सारा पानी व्यर्थ बह जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो मैजिकल वाटर इसमें भरा हुआ था वो अब खाली हो चुका है, इन्होंने ये सारी गिलासें पानी पी लिया और ये जवानी इनकी लौट आई है। जैसे ही इनको लगता है कि वे जवान हो चुके हैं तो वे बड़े जोर शोर से हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं वे। और ये सब सुनने के बाद वो डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर तुम भी पी लो, तुम भी जवान हो जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब को पता है कि ये मैजिकल वाटर जो है वो थोड़े समय के लिए हैं, इसकी जो ताकत है वो थोड़े समय के लिए हैं। जो गुलाब खिल गया है थोड़े समय बाद वो मुरझा जाएगा, क्योंकि इसका असर जो है वो लिमिटेड है। तो जैसे ही इनको खुशी हुई कि चलिए हम फिर से जवान हो गए, तो ये तीनों कैरेक्टर्स एक साथ उछल पड़ते हैं, कूदते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब बात यहाँ तक आ गई कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों डांस करना चाहते हैं इस विडो वाइचरली के साथ, इस वाइचरली के साथ झगड़ना चाहते, शादी, आई एम सॉरी, ये तीनों इस वाइचरली के साथ डांस करना चाहते हैं। और इस डांस के चक्कर में वो तीनों क्या करने लग जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। ये तीनों झगड़ा करते हैं इस वाइचरली के साथ डांस करने को लेकर, और धीरे धीरे आप देखते हैं थोड़े समय बाद उनका जो, उनकी जो जवानी थी, उनकी जो फेयरनेस थी, इनका जो यंग यूथ वाला जो लुक था वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो असर कम होने लगा उस पानी का, और वो धीरे धीरे फिर से बूढ़े होने लगे। जैसे उनको ये सारा कुछ एहसास हुआ, उन्होंने इस वाटर, मैजिकल वाटर की ओर देखा, वो मैजिकल वाटर गिर चुका था। तो ये क्या करते हैं, इस डॉक्टर को कहते हैं कि हमें वो मैजिकल वाटर दो। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर मैजिकल वाटर तो नहीं देते हैं, लेकिन एक मैसेज ज़रूर देते हैं। ये सब कहते हैं कि आपके पास मैजिकल वाटर है, तो उन्होंने कहा कि मैजिकल वाटर तो गिर गया है, ख़त्म हो गया सारा। तो ये सब जिद करते हैं, ये कहते हैं कि हम तो कहाँ जाएंगे, हम तो जाएंगे फ्लोरिडा, हम जाएंगे फ्लोरिडा जहाँ पर क्या है, अ फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी जो जवानी का झरना है वो फ्लोरिडा में, और हम वहाँ में, वहाँ एड्रेस दीजिए, हम वहाँ पर जाएंगे और दिन रात क्या करेंगे, उस पानी को पीकर जवान रहेंगे। यानी इनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो रही है, इच्छाएं जो हैं वो तृप्त नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी इच्छाओं ने ले लिया है रूप तृष्णा का। और जब व्यक्ति के ऊपर तृष्णा का मोह छा जाता है तो धीरे धीरे उसकी और वो दुख की घड़ी में आगे बढ़ने लगता है। अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इनको फ्लोरिडा तो भेज नहीं रहे, इनको मैजिकल वाटर नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं वो डॉक्टर साहब। और मैसेज क्या दे रहे हैं, द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द साइकिल ऑफ द नेचर। क्या कह रहे हैं मैसेज, क्या कह रहा है द स्टोरी, ये कह रही है कि वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द साइकिल ऑफ नेचर। यहाँ पर मैसेज छिपा हुआ है कि जो साइकिल है नेचर का, नेचर की जो प्रकृति है, जो साइकिल है, उस साइकिल को आप न तोड़ें। यानी कि नेचर ने एक साइकिल बना रखी है कि जन्म जन्म के बाद जवानी और जवानी के बाद बूढ़ापा आएगा, और ये जो साइकिल बनी हुई है, ये जीवन चक्र बना हुआ है, इसको हमें नहीं तोड़ना है, हमें नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करना है। यही इस कहानी में मैसेज दिया जा रहा है। कितनी बढ़िया कहानी है, इंसान की फितरत है, कभी उसकी इच्छाएँ खत्म नहीं होगी, कभी इच्छाएँ खत्म नहीं होगी, और एक से ज़्यादा इच्छाएं और तृष्णाएं उसकी बढ़ती जाएगी। महात्मा बुद्ध का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, महात्मा बुद्ध, उन्होंने बताया था, चार आर्य सत्य बताए थे, दुख, दुख का कारण, दुख कारण का निवारण, और निवारण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। इस प्रकार से यहाँ पर भी यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से फ्रेंड्स, किस प्रकार से इंसान की जो फितरत है, इंसान का जो नेचर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। और यही मैसेज हमें अपने जीवन में भी उतारना है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्रामीण परिवेश में वे बच्चे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये सुविधाएँ नहीं है कि वे कैसे पढ़े, क्योंकि टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, हर जगह टीचर्स अवेलेबल भी नहीं है। तो यही कारण है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, ये पुण्य का काम आप कर सकते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाकर जो घर पर बैठे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, इतने व्यूज़, लाइक और शेयर कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।